अभी करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो माज़ ने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज हम मोनाल आए हैं। मेरी कज़न आई हैं क्वेटा से, तो आज हम उनको भी मोनाल लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मोनाल हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है और ये हमारा सेकंड घर है HVK के बाद, जहाँ हम आपको मोस्टली मिलेंगे। बाहर जो है वो तुर्कीश आइसक्रीम है और कुछ इस तरह की इनकी एंट्रेंस है। मोनाल पेशावर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फूड है, क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है। सो बच्चा पार्टी जो है वो अंदर एंटर हो चुकी है, साथ में ये छोटी सी मिर्हा भी अंदर आ चुकी है। इसके बाद हम सब लोग ने लिफ्ट ली एंड देन हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, जहाँ पे इनका पूरा हाई टी का सिस्टम है। आज जो है वो काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि उसकी फ्रेंड मिर्हा भी आई हुई थी। सुबह हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके थे और सामने ही मोनाल का जो है वो हाई टी एंड डिनर बुफे वगैरह का हॉल आता है। यहाँ पे संडे ब्रंच भी स्टार्ट हुआ है, जिसके विदाउट टैक्स 2000 चार्जेस हैं, विद टैक्स आई थिंक इट्स 2300 और 24 मे बी। स्टार्टर में है सूप, एक जो है वो चिकन कॉर्न है और यहाँ पे स्पेशल सूप है मोनाल स्पेशल। और यहाँ डिफरेंट सैलड्स भी पड़ी हुई है, रशियन सिंपल मैक्रोनी और काफ़ी वैरायटी भी है चटनी वगैरह की, मुरब्बा भी यहाँ पे है, ये बिल्कुल ही स्टार्टर में पड़ा होगा। और यहाँ पे टी के साथ डिफरेंट आइटम्स भी हैं, पिज़्ज़ा पकौड़ा समोसे चिकन समोसे यहाँ के बहुत ही टेस्टी हैं, मीट बॉल मिनी बर्गर्स लज़ानिया एंड यहाँ पे लाइव पास्ता भी बन रहा था, जो जिसने जैसा भी इसको कस्टमाइज़ करवाना था सेम वैसा ही ये पास्ता बना के आपको देते हैं। साथ ही दूसरी टेबल में नाचोस फिश और मीट बॉल्स और डिफरेंट सॉसेजेस पड़े हुए थे, चाइनीज़ बॉल के साथ वॉल्टन सॉस यहाँ पे था। फिर इसके आगे जो है फ्राइज पड़े हुए थे, जो कि बच्चों के लिए बहुत बच्चों का फेवरेट सेक्शन शायद यही होगा, जहाँ पे मिनी बर्गर्स फ्राइज़ और विंग्स वगैरह थे। साथ ही इन्होंने हर चीज़ के साथ सॉस वगैरह रखे हुए थे और ये लोग आपको फ्रेश बारबेक्यू जो है वो टेबल पर भी सर्व करके देते हैं। आगे जो है कबाब और चिकन बोटी, साथ ही साथ आपको फिंगर फिश नज़र आएगी जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होती है। सामने ही आपको लाइव किचन नज़र आएगा, जो इतना इनका हॉल है सेम उतना ही बड़ा इनका किचन है और सब कुछ फ्रेश बन रहा होता है। जो भी अंदर किचन में जाता है तो उसको कैप दोबारा वेयर करनी पड़ती है, ऐसे कोई भी अलाउ नहीं होता। यहाँ पर हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। सो यहाँ पर गर्म गर्म फ्रेश आपको बारबेक्यू सर्व किया जा रहा है। यहाँ पे ड्रिंक्स में मिन मार्गरिटा भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री ही दिया जाता है और चीज़ नान तो इनका बेहद ही टेस्टी है, जो आपको मेरी टेबल पे नज़र भी आ रहा होगा। मास आप क्या कर रहे हो? आपके जूते किधर है? जो शूज़ पहनो, प्ले एरिया में रहेगी, शूज़ पहनो। शाबा मजार है आपको मेरा, यहाँ पे आपको गोलगप्पे पापड़ी चाट साथ में दही भल्ले और फ्रेश फ्रूट चाट भी मिलेगी। साथ ही यहाँ पे चाइनीज़ जो है वो सर्व हो रहा है टेबल पे, मंगोलियन चिकन चाउमीन फ्राइड राइस और पाकिस्तानी डिशेस में मुगलाई चिकन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया एंड इट वाज वेरी टेस्टी। जूसेस भी हैं और ये जो एरिया था ये डेजर्ट्स का था, सो यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैरायटी होगी। यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया जलेबी बनाना भी और बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस था, लाइव जलेबी बन रही तो साथ में इन्होंने हमें जलेबी बनाने का भी ये लोग अलाउ करते हैं। और इवन अगर आपको चाय नहीं पसंद आई तो आप अपनी चाय भी यहाँ पे ख़ुद बना सकते हैं। और तो मैं काफ़ी आर्टिस्टिक हूँ लेकिन स्टिल मुझसे जो है इसका ग्रिप काफ़ी मुश्किल था पकड़ना। यहाँ पर वनीला आइसक्रीम, गुलाब जामुन, जलेबी, लेमन ग्रास टी, पिंक टी भी इनका न्यू एडिशन था।
और यहाँ पे जो है ब्राउनीज और फाउंटेन था चॉकलेट का, तो मैंने यहाँ पे कावा लिया है एंड उसको उठा नहीं सकते थे ऑब्वियसली, हाथ में फ़ोन था तो यहाँ पे मैंने जो है वो ब्राउनी एंड उसके ऊपर चॉकलेट भी ली। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मूज, चॉकलेट मूज, आपको डिफरेंट बिस्किट्स और कस्टर्ड भी नज़र आएगा जो कि फ्रूट ट्राइफल बहुत ही अमेजिंग था। काफ़ी लोग ये चीज़ें ज़ाया भी कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई इतना यहाँ पे फूड ज़ाया किया जाता है। ये एरिया जो है वो मैन का है और यहाँ पे आज काफ़ी कम रश इस वजह से थी क्योंकि ये ट्यूसडे था। मोस्टली अगर आप वीकेंड पे आएंगे तो आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलती। साथ ही साथ अंदर प्ले एरिया था, बच्चे यहाँ पे काफ़ी खुश थे और काफ़ी टाइम गायब भी रहे तो काफ़ी सुकून था। आप एटलीस्ट खाना तो आराम से खा सकते हैं, वरना यहाँ पे जब प्ले एरिया नहीं बना था तो बच्चे काफ़ी तंग कर रहे थे। आपको आ रहे हाय हेलो ये जगह जो है वो अभी इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरह के स्टॉल्स जो है वो बिल्कुल उस साइड पे लगे होते हैं। ये इनका जो है वो बैक साइड वाला एरिया। मौसम इतना प्यारा है, आप लोग चेक करें। ये इनका इनसाइड जो है सारा इनकी हाइट ही है। ये किचन है, किचन इनका जितना बड़ा इनका हॉल है उतनी बड़ी इनका किचन भी है। और ये किड्स एरिया है। भूख लग गई है। काफ़ी ज़बरदस्त टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम घर जा रहे हैं। सो हम पहले हमने डिसाइड किया था कि हम नियर बाय एक पार्क है वहाँ जाएंगे, बट काफ़ी थकावट हो गई थी और बच्चे भी काफ़ी तंग कर रहे थे सुबह से, उनको झेल के हम भी थक गए थे। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं अब हम घर चले जाएँगे। यहाँ नीचे एशियन वॉक में इनके तौर से पिक्चर्स वगैरह लिए। बाहर जो है इनकी ये तुर्किश आइसक्रीम है, इसको भी ज़रूर ट्राई करें, ये काफ़ी टेस्टी है। जब भी आप पेशावर आएँ और मास जो है वो अभी भी अंदर जाने की तैयारी में था, लेकिन इनकी आइसक्रीम जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी इस टाइम तक। एंड अभी हम लोग जो है वो जा रहे थे पार्क, बट हम नहीं जा सके, हमारा तकरीबन प्लान बिल्कुल ही चेंज हो गया रोड के एंड तक जाने के बाद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपने ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।